প্রথমবারের মতো তিন দিনের বরাক উপত্যকা সফরে আসলেন আসামের রাজ্যপাল গোলাপ চাঁদ কাটারিয়া। আসামের মহামান্য রাজ্যপাল গোলাপ চাঁদ কাটারিয়া প্রথমবারের মতো তিন দিনের বরাক উপত্যকা সফরে আসলেন। উপত্যকায় প্রথমবারের মতো রাজ্যপালের সফর সূচিকে কেন্দ্র করে সোমবার জেলায় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা মোতায়েন করা হয়। आज सभी अधिकारियों से जो भी केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत जनता तक जो सुविधाएं पहुंचनी थी किस सीमा तक पहुंची है, कहां उसमें कमी खामी है, उसके बारे में मैं जब से आसाम में आया हूं आज 12वां जिला मैं पूरा कर रहा हूं और मैं कोशिश करूंगा कि 6 महीने में आसाम के सभी जिलों में जाकर के वहाँ के जिला के जितने भी अधिकारी हैं, जितने डिपार्टमेंट हैं, उनसे रूबरू होकर के केंद्र से आई हुई सारी स्कीमों को समझें और कहाँ तक उसमें हुआ है कमी रही तो उसको कैसे पकअप करें। और दूसरा मैंने कहा है कि अगली बार जब आए तो स्टेट गवर्नमेंट के भी जो पिछले 2 बजट हैं, 2 बजट में आपके डिपार्टमेंट को कौन सा पैसा मिला, उसमें से आपने कितना उसका उपयोग कर लिया, कौन कौन से काम अभी हैं जो पाइपलाइन में हैं और जिनको समय पर समाप्त होना था वो समय पर अभी पूरे नहीं हुए, उसको बकअप करने की दृष्टि से मैं इनकी तरफ से इनका सहयोग करके काम को और गति मिले इस दृष्टि से मैं आया हूँ। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सभी जिलों में जाकर के जो कुछ भी वहाँ विशेष है, विशेष करके सीमा है, यहाँ के जितने भी आर्मी के अधिकारी हैं उनसे भी बात करके समझने का प्रयास किया है, बॉर्डर पर भी जाकर के कुछ बॉर्डर को समझने का प्रयास करूंगा। तो एक दृष्टि से मैं यहाँ के प्रशासन का सहयोग करके काम को और गति मिले उसके लिए प्रयत्न। सर आपके पहले आया घाटी में? मैं पहली बार आया तो इस बराबली लेके आपको क्या अंदाजा है, बराबली लेके आपको कुछ मालूम है कि बराबली कैसा है? देखो मैं सोचता हूँ कि मैंने जो आसाम पहले देखा 10-12 साल पहले और आज जो मैं आसाम देख रहा हूँ बहुत बड़ा अंतर है। विशेष करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, पहले भी मैं क्योंकि 40 साल से MLA हूँ तो कई बार यहाँ घूमने की दृष्टि से भी विधानसभा के सदस्य के नाते भी आने का मौका मिला, पर अभी आकर के मैंने देखा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, विशेषकर रोड नेटवर्क है ना, जितने भी रेलवे लाइनें हैं उसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो निश्चित रूप से, और फिर यहाँ लॉ एंड ऑर्डर जैसा पहले था और जैसा आज है उसमें काफ़ी अंतर आया है। लोग महसूस भी करते हैं और हम भी महसूस करते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा सिंबल है, जब शांति रहेगी तो विकास अपने आप बहुत तेजी से चलेगा। सर आपके इस तीन मुद्दे वही हैं जो केंद्र की सरकार की विभिन्न योजनाएं फ्लैगशिप योजनाएं चल रही है जो कॉमन आदमी के तक पहुंच करके उसको एम्पावर करने के लिए जो योजनाएं हैं वो कहां तक किस परसेंटेज तक पहुंची है, कहां उसमें कमी है, उसको कैसे बैकअप करें। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना जितने लोगों का टारगेट किया उसमें से हम कितना कम्प्लीट कर पाए, किसान सम्मान निधि की दृष्टि से जो किस्तें आती है वो कहाँ तक पहुँच रही है, आधार से लिंकअप करने के लिए जब से कहा है तब तक फिगर में काफ़ी अंतर आया है, आधार से जोड़ने में काफ़ी विलंब हो रहा है, उसके कारण से किसान को नुकसान न हो जितना जल्दी हो के आधार से जोड़े।